जैसा कि दोस्तों आपको बताया है, हम आपके लिए रोजाना नए नए ट्रिक की क्लासे लेके आते हैं, तो जो कि आपके लिए कंपटीशन एग्जाम में मददगार साबित होती है। नए नए ट्रिक लेके आते हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं जो कि वर्ल्ड जीके, इंडिया जीके, राजस्थान जीके से संबंधित होती है, जिनके क्वेश्चन जैसे मान लो रेलवे है, NTPC है, राजस्थान पुलिस है, राजस्थान पटवारी है, और भी RS IAS लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं उनमें ये ट्रिक ज़्यादातर का मददगार साबित होती है। जो कि हम आपके लिए ट्रिक लेके आते हैं वो इंडिया जीके से संबंधित, जैसे मान लो ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, उनसे संबंधित लेके आते हैं, उनके बारे में बताते हैं, उनसे संबंधित जो क्वेश्चन भी होते हैं वो हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों रोजाना आज भी हम अपने लिए ट्रिक लेके आए हैं, वो है हमारे जो भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं जो पूर्वी तट के और पश्चिमी तट के, कौन कौन से, पूर्वी तट और पश्चिमी तट, दोनों साइड जो बंदरगाह हैं जो कितने महत्वपूर्ण हैं, जो कितना आयात निर्यात करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, जिस तरीके से वो अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रखते हैं, किस तरह का व्यापार करते हैं, उसी के साथ ही हम अपन नाना बंदरगाहों के बारे में जानकारी लेंगे। तो आज हम बताएंगे जो भारत के पूर्वी तट पर बंदरगाह कौन कौन से हैं और पश्चिमी तट पर कितने हैं। तो वैसे तो देखा जाए तो दोस्तों 13 बंदरगाह हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ ही 200 ऐसे बंदरगाह हैं वो छोटे छोटे शहरों को जोड़ते हैं, लेकिन इनमें जो 13 बंदरगाह हैं वो है काफ़ी महत्वपूर्ण, जो कि अन्य विदेशों से भी यहाँ आयात निर्यात करते हैं, अपना व्यापार चलाते हैं। तो दोस्तों हम अपनी ट्रिक के माध्यम से बताएंगे वो कौन कौन से बंदरगाह हैं। तो हम पहले बात करेंगे भारत के पूरी तट के बंदरगाह। दोस्तों इसके बारे में जानकारी लें भारत के पूरी तट के बंदरगाह, वैसे तो कितने बताए थे मैंने आपको, 13 बंदरगाह। कितने हैं? 13। वो मतलब व्यापार दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वैसे टोटल अन्य 200 और भी है जो छोटे मोटे शहरों को जोड़ता है, इनको ज्यादा मतलब जो छोटे मोटे शहर जोड़ते हैं, लेकिन जो अपने अर्थव्यवस्था से संबंधित जुड़े हुए हैं, व्यापार दृष्टि से जुड़े हुए, वो कितने हैं? 13। हम उनके माध्यम से इस वीडियो के माध्यम से, इस ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे। तो हमारे पास ट्रिक क्या है आपका CCTV है। दोस्तों ट्रिक क्या है आपका? CCTV है दोस्तों, ये हमारी ट्रिक है। कौन से तट वालों की? पूर्व तट वाले बंदरगाह है ना उनकी। तो दोस्तों इसमें कितने आते हैं वो आपको बताऊंगा, कितने बंदरगाह हैं इसमें। पहला आता है आस हो गया, अनो बंदरगाह जो कि कहा है, तमिलनाडु। फिर क्या है? पेस है पारादीप, ये कहां पड़ता है? ओडिशा के अंदर, ठीक है। फिर है का मतलब होगा कोलकाता, इसको कलकत्ता भी बोला जाता है, जो कि कहां है? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। फिर क्या है? सी का हम डायरेक्टली सी से क्या हम अर्थ निकालते हैं, सी से चेन्नई। दोस्तों क्या हो गया? चेन्नई बंदरगाह का नाम जाना था, जो कि कहा है? तमिलनाडु, जो कि कहा है? तमिलनाडु। इस सी से आपको कुछ नहीं लेना देना, इसी को खाली छोड़ दिया जाए, मतलब इससे कोई मतलब नहीं। फिर अगला है 5 नंबर टी, हो गया टूटी गोली, कौन सा बंदर है? टूटी गोली, जो कि भी कहा है? तमिलनाडु में, जो कि भी कहा है? तमिलनाडु। फिर क्या है? बी, छठा बंदर कौन सा है? बी, जो कि है विशाखापट्टनम। दोस्तों फिर बी
20 रेशा ये नाम बताए आंध्र प्रदेश, जहां मैं सोच से लिख रहा हूं आंध्र प्रदेश। फिर क्या है देश है हल्दिया, जो कि गांव है पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल। क्या बोलते हैं इसको? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ये हो गया अपने पूरी तट के बंदरगाह। इसकी ट्रिक क्या है? आपका सीसीटीवी है तो ये सब के कन्नौज जो कि तमिलनाडु में, पैसे हो गए पारा जो कि उड़ीसा है उड़ीसा बोलते हैं इसको, फिर पास हो गए कलकत्ता जो वेस्ट बंगाल में है, शीशा हो गया शीशा बोलते हैं चेन्नई, चेन्नई जो कि तमिलनाडु में है, फिर है तूतीकुड़ी जो कि तमिलनाडु में है, फिर है भीमबीका और विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, फिर है ऐसे हल्दिया जो कि वेस्ट बंगाल में। फिर आपका दूसरी कौन सी है जो कि है भारत के पश्चिमी तट पर, भारत के पश्चिमी तट पर बंदरगाह, इसकी साइड कितने थे? सात। इस साइड आएंगे छह बंदरगाह आएंगे। तो दोस्तों इसमें ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है इसमें? दोस्तों इन्हीं में सब
क्वेश्चन बताया, जो भी नोट कर लीजिए आप, जो ये मुंबई बंदरगाह है ये क्या है, ये प्राकृतिक बंदरगाह है, यानी ये इसमें दो ऐसे बंदरगाह जो सबसे पुराने हैं, प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक बंदरगाह है। नोट कर लेना, प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, मुंबई वाला, ठीक है, ये प्राकृतिक बंदरगाह है। और इसी के साथ आप यहाँ पर साइड में क्वेश्चन और करा रहा वो नोट कीजिए, उन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, वो बताना चाहता हूँ वो कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। देखो मुंबई बंदर का कौन सा होता है, प्राकृतिक, और ये सबसे बड़ा बंदर का, सबसे बड़ा बंदर का मुंबई, ठीक है, और दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, ये कोलकाता, जो दूसरा सबसे बड़ा है, दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, कोलकाता, ठीक है। इन्हीं को देखते हुए दोस्तों कोलकाता के मतलब जो बंदरगाह उसको बाहर को देखते हुए कौन सा बंदरगाह बनाया गया, फिर नया हल्दिया, ठीक है। फिर नेम के लिए कौन बंदर का है, जो यहाँ पे जो चेन्नई वाला है, जो ये बंदर का इसलिए मतलब जो इसका जो व्यापार ज्यादा बढ़ता है या इसका भी यहाँ पे रहता है ज्यादा होता है, इसी को देखते हुए इसी इसी की जो भार है उसको कम करने के लिए किसका वो नया बंदर बनाया गया, एंगलोर का, ठीक है। फिर और भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें मैं बताता हूँ, जो मुंबई बंदरगाह है इसकी 200 टन की क्षमता है, कितनी क्षमता है, 200 टन, जो मतलब जो वजन वगैरह होता है उसकी क्षमता है वो मुंबई वाले बंदरगाह की। फिर क्या है, इसी के साथ कोचीन बंदरगाह है, जो कि वो भी मतलब प्राकृतिक बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है दोस्तों। फिर अगला है इसमें हल्दिया, हल्दिया मैंने भी बताई थी आपको, ये इसी की वजह से जो कोलकाता वाला बार बनाया गया था, और जो सर्वाधिक यातायात होता है किससे होता है, वो होता है हमारे मुंबई वाले बंदरगाह से दोस्तों। जो आयात यहाँ होता है सबसे आयात किससे होता है, वो मुंबई वाले बंदरगाह से होता है, ठीक है दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और दोस्तों आप अपना प्यार ऐसा बनाए रखिए, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे जो ये परिवार है